हेलो एवरीवन, वैकेंसी गेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो सब आप जान सके। अब इसका डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें टोटल 7 पोस्ट है। इसमें सैलरी मिलेगा स्टार्टिंग में 47,600 रुपीज। इसका जॉब लोकेशन है ओडिशा। अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है www.opsc.gov.in। इसमें टोटल असिस्टेंट डायरेक्टर का 7 पोस्ट है। इसमें जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री की है इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट है 38 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर रूल्स। एज लिमिट देखा जाएगा 1 अगस्त 2023 के हिसाब से। SC/ST वोमेन और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स। PWD कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन है 10 ईयर्स। PWD SC/BC और SC कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन है 15 ईयर्स। इसमें कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। इसमें पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना होगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.opsc.gov.in। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा 17 जून 2023 के डेट से और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 17 जुलाई 2023। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज हुई है। यहाँ पे बता दिए गए हैं, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा 17 जून 2023 की डेट से और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 17 जुलाई 2023। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है, टोटल 7 पोस्ट है। इसमें सैलरी मिलेगा लेवल 11 का, यानी कि स्टार्टिंग में सैलरी होगा 47,600 रुपीज। अब इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 2 पोस्ट है। SC/BC में 3 पोस्ट है। 1 पोस्ट वोमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। SC कैटेगरी में 2 पोस्ट है, तो टोटल 7 पोस्ट है। इसमें 1 पोस्ट वोमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसमें जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री की है इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। इसमें पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। रिटर्न एग्जाम में 4 सब्जेक्ट है, जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज पेपर है। इसमें 2 घंटा ड्यूरेशन है टाइम एक एक पेपर का, और स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स पेपर में टाइम ड्यूरेशन है 3 घंटा। रिटर्न एग्जाम का टोटल मार्क्स है 800 मार्क्स। इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। एग्जामिनेशन सेंटर भी बता दिए गए हैं। एग्जाम होगा कटक या भुवनेश्वर में। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो वो जल्द से जल्द अप्लाई करना। अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेष।